नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। रामगढ़ के ऐतिहासिक धरती पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस में 1940 में आहूत अधिवेशन के याद स्मृति उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद पार्टी के सभी मंत्री विधायकगण मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ की ऐतिहासिक धरती पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1940 को जो अधिवेशन हुआ था, उसके बाद आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ और उस रामगढ़ की ऐतिहासिक धरती पर आज कांग्रेस का स्मृति उत्सव का आयोजन होना तमाम कांग्रेस जनों एवं रामगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है। कांग्रेस आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक देश की विकास एवं एकता और अखंडता के लिए हमेशा तत्पर और प्रयत्नशील रही है। सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा, रामगढ़ की ऐतिहासिक 1940 के अधिवेशन में मेरे पिता स्वर राय साहब बलदेव साहू के नेतृत्व में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के निमंत्रण पर कई सहयोगी के साथ रामगढ़ अधिवेशन में भाग लिए थे। उन्होंने कहा कि उस समय जिन स्थानीय लोगों ने रामगढ़ अधिवेशन में भाग लिया था या सहयोग किया था, उनके परिजनों को कांग्रेस पार्टी सम्मानित करने का कार्य करेगी। सभा को मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, सुबोध कांत सहाय अन्य ने संबोधित किया। वहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख के द्वारा सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित किया। सभा में काफी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।